और अब डालेंगे अखबारों पर नजर। सबसे पहले बात होगी चुनाव के बाद एक्शन में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल पूर्वोत्तर में चक्रवात को लेकर मंथन उनके द्वारा किया गया। नई सरकार के शुरुआती 100 दिन की कार्य योजना की भी समीक्षा उनके द्वारा की गई। अगली सरकार को लेकर भी बैठक की गई। तो अब क्योंकि सातों चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 4 तारीख का इंतजार हो रहा है जब रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जो कि 100 दिनों की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए नजर आए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी प्रचार प्रसार कर रहे थे चुनावों को, उस दौरान भी वो मंचों से 100 दिन की कार्य योजना, पहले 100 दिन की कार्य योजना का जिक्र बार बार कर रहे थे और उसमें खासतौर पर युवाओं का वो जिक्र करते थे। पूर्वोत्तर का चक्रवात जो कि इन दिनों काफी तबाही मचा रहा है, पूर्वोत्तर के तमाम इलाकों में तबाही इस वक्त मचा रहा है तूफान, उस पर मंथन किया गया। इसके अलावा कैसे काम करना है आने वाली सरकार में 100 दिन तक, उसकी कार्य योजना पर भी समीक्षा की गई। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और अगली खबर भी पीएम मोदी से जुड़ी हुई आपको लगातार हम बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले प्रधानमंत्री मोदी आवास पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसका जिक्र पलक भी कर रही थी। गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मीटिंग में रहे मौजूद। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और हिंदुस्तान अखबार चूंकि इस वक्त मेरे पास है फ्रंट पेज पर इस खबर को लेकर जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आग लगने की घटना रोकने लू से बचाव के उपाय करें। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने आवास पर 7 बैठकें की। नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा की। पलक भी आपको जानकारी दे रही थी। अग्नि विद्युत सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से करें, प्रधानमंत्री मोदी ने आदेश भी दिए हैं। इसके अलावा 30 मई को चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल वो चले गए थे। 48 घंटे की ध्यान साधना के बाद शनिवार दिल्ली लौटे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मोदी ने रविवार सुबह अपने आवास पर सबसे पहले चक्रवात रेमल के प्रभाव को लेकर समीक्षा बैठक की। टोटल 7 बैठकें की है और इस दौरान प्रभावित राज्यों में चक्रवात की स्थिति की जानकारी ली। मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा में लैंडस्लाइड, बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है, संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, लोगों को कितनी क्षति पहुंची है, इसकी जानकारी भी लेते हुए पीएम मोदी नजर आए और कहा कि केंद्र चक्रवात से प्रभावित राज्यों की मदद कराए। गृह मंत्रालय स्थिति की निगरानी करने के साथ राज्यों को सहायता प्रदान करे। पढ़ते आगे और बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। 50 मिनट ये बैठक चली। प्रतिनिधि मंडल ने 4 मांग जो है वो रखी है। डेलीगेशन में निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल भी मौजूद थे। अधिकारियों से कैंडिडेट बात कर सके। पीयूष गोयल का ये स्टेटमेंट है, सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने की मांग की गई है। किसी भी तरह के हिंसा पर कार्रवाई की जाए, लोकतांत्रिक मूल्यों को और ज़्यादा एक्टिव की जाए। तो देखिए ये तमाम जो मांग है वो बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद रखी है। तो देखिए कल जिसका इंतजार सभी को है, 4 जून को मतगणना होनी है और ऐसे में ये बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है। अधिकारियों से कैंडिडेट बात कर सके, सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने की मांग की है। पूजा देखिए जाहिर तौर पर कल 2 डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचे। एक तरफ जहां इंडिया ब्लॉक का डेलीगेशन पहुंचा, दूसरी तरफ बीजेपी का जो डेलीगेशन है वो भी इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचा और सभी की अपनी अपनी बातें थी जिनको इलेक्शन कमीशन के समक्ष में रखा गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इससे पहले जरा इलेक्शन कमीशन के समक्ष जो बातें रखी गई उसको लेकर विस्तार से जानकारी दी पीयूष गोयल ने, एक बार सुनिए जरा। माननीय निर्मला सीतारमण जी, देश की वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल निर्वाचन आयोग और उनके कमिश्नर्स को मिला और हमने 4 मांगे इलेक्शन कमीशन के सामने पेश की हैं। हमने मांगा है और अनुरोध किया है माननीय इलेक्शन कमीशन से कि वो सभी अधिकारी जो काउंटिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं उनको पूरी तरीके से काउंटिंग प्रोसेस की जानकारियां दें, उनकी ट्रेनिंग अच्छी तरीके से की जाए। साथ ही साथ हमने मांग रखी है कि जो काउंटिंग प्रोसेस है और उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, जो 1.5 करोड़ अधिकारी पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े थे, उसमें से जो लोग काउंटिंग में जुड़े हैं उनकी और सभी काउंटिंग एजेंट्स की भी सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए कड़े कदम उठाए जाएं। और तीसरा, हमने जो एक टूलकिट चल रही है, जो एक दिल्ली रेजोल्यूशन जैसे कारनामे कुछ सिविल सोसाइटीज़ और एनजीओस कर रहे हैं और कुछ विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ
सवाल जवाब करके उनको डराया धमकाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत कड़े कदम उठाए और उनके ऊपर एक्शन लिए जाए। और साथ ही साथ हमने अनुरोध किया है कि वो जनता के बीच एक स्पष्ट अपना वक्तव्य रखें, किस जिससे वो बताएं कि काउंटिंग प्रोसेस और पूरा इलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से बड़े सुगम तरीके से चलाया गया है। और अगर कोई भी इसके बारे में गलत फहमी पैदा करे या देश या विदेश में भारत के निर्वाचन के काम के अंदर दखलअंदाजी दे, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, कई तमाम बड़ी बातों के जिक्रों के द्वारा किया गया, कहा कि हमने चार मांगें चुनाव आयोग के सामने रखी हैं। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि काउंटिंग प्रक्रिया में लगे हुए अधिकारियों को प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी जाए, उनकी ट्रेनिंग अच्छे तरीके से की जाए। इसके अलावा काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े हुए छोटे से छोटे जो विषय हैं उनको बड़ी ही गंभीरता से लिया जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया। आगे बढ़ेंगे, अरुणाचल का जिक्र होगा जहां पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। 46 सीटों पर बीजेपी की जीत, पीपीए को मिली है सिर्फ 2 सीट, एनपीपी को 5 सीट, इसके अलावा कांग्रेस को मिली है 1 सीट। 3 सीट पर निर्दलीय जीते हैं, एनसीपी को 3 सीटें इसमें मिली है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, कल दोनों ही राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आए और इसमें बड़ी जीत दर्ज की है बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए 46 सीटों पर कब्जा अपना जमाया। अगर हम बात करें एक बार फिर से बीजेपी सरकार, सिक्किम की बात करें तो एसकेएम ने रिकॉर्ड जीत वहां पर दर्ज की है। तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी लगातार तीसरी बार अब सरकार बनाने जा रही है। 60 सदस्यों वाली विधानसभा के जो रिजल्ट्स हैं वो कल घोषित हुए हैं और जिसमें 50 सीटों पर चुनाव हुआ था, 10 पर पहले ही निर्विरोध जीते जा चुके थे। 40 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में। 19 अप्रैल को 50 सीटों के लिए मतदान हुए जिसमें बीजेपी को 36 पर जीत मिली है। और जो 10 दिन का जिक्र अभी हम कर रहे थे जिनमें बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और डिप्टी सीएम चोवना, उन्होंने निर्विरोध होने वाले उम्मीदवारों में वो शामिल हैं। रविवार को गवर्नर केटी पटनायक ने विधानसभा भंग करके खांडू को कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व भंग करने को कहा है। अगर बात करें सिक्किम की तो सिक्किम में भी 32 सदस्यों वाली विधानसभा के एसकेएम ने दूसरी बार बहुमत पाया है। तो कुल मिलाकर अरुणाचल प्रदेश जिसमें बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है और 3 सीटों पर मात्र निर्दलीय जीते हैं। अरुणाचल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी का परचम देखने को मिला। वहीं पर खोंसा वेस्ट से बीजेपी के छकट अबू जीते, नामसिंग से बीजेपी के वांगछी लोवांग जीते, चौखाम से बीजेपी के चाउना मैन जीते और रागा से बीजेपी के रोटम तेबिन जीते, ताली से बीजेपी के जीके ताको जीते। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कास किसकी जीत हुई। पालन से बीजेपी के बालो राजा जीते। तो अरुणाचल की हम आपको जानकारी दे रहे हैं, अरुणाचल में बीजेपी और सिक्किम में एसकेएम जीती। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जश्न मनाया गया, जो समर्थक थे, स्थानीय लोग थे और पार्टी कार्यकर्ता भी जश्न मनाते हुए नजर आए। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा धन्यवाद अरुणाचल प्रदेश। देखिए, पीएम मोदी ने भी बीजेपी की जीत पर राज्य के लोगों का आभार व्यक्त किया और इसी बीच आप देख सकते हैं कि अलग अलग किस तरह से संस्कृति वहाँ पर दिखाई गई है और वहाँ का सांस्कृतिक जो नृत्य है वो भी किया गया। इसके अलावा पेमा खांडू की तरफ से क्या कहा गया इस जीत के बाद, वो आपको सुनाते हैं। आज अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बार का 2024 का जो विधानसभा का जो चुनाव में एक नया रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है। 2019 इलेक्शन में हम लोग ने 41 सीट्स आउट ऑफ 60 हम लोग ने जीता था, 41। तो इस बार उससे भी बढ़ के एक जैसे वैसे पॉलिटिक्स में तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, मगर बीजेपी में क्या है कि प्रो इनकम्बेंसी। तो अभी 41 सीट्स 2019 में जीता, 2024 में 46 सीट जीता, तो इसका मतलब प्रो इनकम्बेंसी का ये एक सिग्नल है। तो मैं अरुणाचल प्रदेश के जो जनता है उसको मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ये आभार करता हूँ। और दिस इज़ एन रिफ्लेक्शन पीएम नरेंद्र मोदी साहब के आशीर्वाद में जो काम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, उस काम को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश का जनता ने दोबारा फिर अपना राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार गठन करने में वो लोग ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी का हिसाब से अपना कैंडिडेट को जिताया है।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आभार व्यक्त कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, और पीएम मोदी ने भी कहा कि अद्भुत राज्य की जनता ने विकास की राजनीति को जनादेश दिया और लगातार अब विकास होते हुए नजर आएगा। तो पेमा खांडू को आप सुन रहे थे। अरुणाचल में भाजपा की बादशाहत कायम, सिक्किम में एसकेएम की एक तरफा जीत, और इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में भी इसका जिक्र है। लेकिन गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने अरुणाचल के लोगों का आभार जताया, सभी बहनों भाइयों को मेरा हार्दिक आभार। अमित शाह का ये पोस्ट जो कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जीत पूर्वोत्तर में पीएम पर भरोसे का प्रमाण है। सभी कार्यकर्ता को इस शानदार जीत की बधाई भी गृहमंत्री अमित शाह ने दी है। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों से दो दिन पहले आए पूर्वोत्तर के दो राज्यों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के परिणाम एक तरफा रहे। चीन सीमा से लगते राज्य अरुणाचल में भाजपा ने लगातार तीसरी बार बादशाहत कायम रखी है, तो सिक्किम में भी मौजूदा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम ने राज्य के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। और देखिए 60 में से 46 सीटें भाजपा को, कांग्रेस को सिर्फ एक सीटें मिली है। बात यहाँ अरुणाचल प्रदेश की हो रही है, और इस जीत पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। तो देखिए अरुणाचल में मिली जीत के बाद लगातार बीजेपी के नेता गदगद हैं, और इस बीच एक तरफ अमित शाह का पोस्ट, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। अरुणाचल में फिर एक बार मोदी सरकार का संकल्प हुआ पूरा। पूर्व दिशा से आ रही अरुणिमा से 4 जून को पूरा देश आलोकित होगा। 4 जून को इंडी गठबंधन चारों खाने चित होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया। देखिए लोकसभा चुनाव के नतीजों के पहले जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं सामने, उसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में सत्ताधारी दलों ने जीत हासिल की। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने लगातार एक तरफ जहां तीसरी बार सत्ता में वापसी की है, तो वहीं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सिक्किम में अपनी सत्ता को बरकरार रखा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक ने राज्य की 7वीं विधानसभा भंग कर दी, और नतीजों की घोषणा के बाद 8वीं विधानसभा के गठन का रास्ता भी साफ हो गया। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, अलग अलग रिएक्शन बीजेपी नेताओं के सामने आ रहे हैं। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों की देखिए अगर बात करते हैं, तो आपने देखा कि बीजेपी 46, एनपीपी 5, पीपीए 2, राकापा 3, कांग्रेस 1, निर्दलियों ने 3 यहां पर सीटें जीती। बड़ी बात यह है कि लगातार ये जीत है बीजेपी की। 50 सीटों के लिए मतदान हुआ था, क्योंकि 10 सीटों पर पहले ही आपको याद होगा कि निर्विरोध बीजेपी ने चुनाव जीत लिया था। और वहीं सिक्किम की बात करते हैं तो एसकेएम 31 और एसडीएफ को मात्र इस बार 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। तो देखिए सिक्किम में भी एसकेएम की प्रचंड जीत, बहुमत से सत्ता में वापसी हुई है। 32 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की है। विपक्षी दल एसडीएफ को मिली है महज 1 सीट। तो 32 सदस्यों वाली सिक्किम विधानसभा में एसकेएम ने एक बार फिर से दूसरी बार बहुमत पाया है। एसकेएम ने रिकॉर्ड 31 सीटों पर जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग 2 सीटों से चुनाव जीते हैं। सिक्किम में भी 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, और कल दोनों ही राज्यों के, अरुणाचल के और सिक्किम के, नतीजे सामने आए हैं। अगर आप वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो एसकेएम को 2024 की बात करें 31 सीट जीती है, वोट शेयर की बात करें तो 58% वोट परसेंटेज मिला है, जो 2019 के मुकाबले बढ़ा है। 2019 में 17 सीटें थी, और इसके अलावा 47% उन्होंने वोट हासिल किए थे। एसटीएफ ने 1, और इसके अलावा वोट शेयर 27% था। लेकिन इस दौरान क्या कुछ कहा है सीएम की तरफ से, प्रेम सिंह तमांग की तरफ से, वो आपको सुनाते हैं। पूरा परिश्रम किया, और हम लोग ने 5 साल जो ये 5 साल के अंतराल में जो कठिनाई आए COVID-19 में, उसके बाद 23 में जो फ्लड आए, विकास फ्लड, उसके बावजूद भी सिक्किम राज्य का पार्टी का सरकार ने मन से सिक्किम जनता का काम किया था, इसीलिए हमारा जीत हुआ है। इसलिए मैं जीत का श्रेय संपूर्ण सिक्किम जनता को देना चाहता हूँ और कार्यकर्ता को देना चाहता हूँ। तो देखिए अरुणाचल में बीजेपी और सिक्किम में एसकेएम जीती है, और प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, उसकी जानकारी आपको देते हैं। सिक्किम के मतदाताओं को धन्यवाद कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। बीजेपी को वोट देने के लिए आभार, पीएम मोदी ने कहा कार्यकर्ताओं के प्रयासों की भी जमकर तारीफ की, और सिक्किम के विकास के लिए हमेशा सबसे आगे रहेंगे। तो पीएम मोदी ने देखिए सबसे पहले तो एसकेएम और इसके अलावा सीएम को बधाई देते हुए कहा है। सिक्किम असेंबली इलेक्शन 2024 में उन्होंने कहा कि अब लगातार आगे और विकास करेंगे राज्य का। और पीएम मोदी ने ये भी लिखा है कि आई थैंक ऑल दोज हु वोटेड फॉर बीजेपी इन असेंबली इलेक्शंस, आई आल्सो अप्रिशिएट द एफर्ट्स पुट इन बाय आर कार्यकर्ताज। तो कार्यकर्ताओं की भी जमकर तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए हैं। और इसके अलावा पीएम मोदी ने
अरुणाचल प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद कहा है, तो ये खबर भी आज अखबारों में है। बिल्कुल, तमांग को 32 में से 31 सीटें, भाजपा और कांग्रेस का खाता नहीं खुला। बात यहां सिक्किम की, और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि एसकेएम विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार राज्य में सरकार बनाएगा। और देखिए सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको बताई, लोगों का विश्वास जीता, ये प्रेम सिंह तमांग का स्टेटमेंट है। बढ़ते आगे खबरों में, और उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती, सीएम योगी नाराज हैं। यूपी में बिजली की कटौती को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी सामने आई है। विभाग के अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा कटौती तुरंत रोके नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए एक तरफ गर्मी, और इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किया है क्योंकि गर्मी की वजह से हाल बेहाल है, और बिजली कटौती जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा हो रही है, तो इससे योगी आदित्यनाथ की नाराजगी सामने आई, कटौती तुरंत रोके नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। ये साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है, विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है क्योंकि बिजली कटौती की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए एक तरफ यूपी में जो बिजली की कटौती हो रही है उस कारण से सीएम योगी नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए राष्ट्रीय राजधानी की बात की जाए तो बंजर या रेगिस्तान बन जाएगी दिल्ली, क्योंकि 52 डिग्री जो टेम्परेचर है वो यहाँ नोट डाउन हुआ है। और इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि वनों की कटाई के प्रति वर्तमान पीढ़ी जो पीढ़ी का रुख है वो अगर उदासीन रहा तो ऐसे में राजधानी एक बंजर रेगिस्तान बन जाएगा, और ऐसे में युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए। जाहिर तौर पर सहूलियत चाहिए, लेकिन सहूलियत के साथ साथ जो आमजन है, खासतौर पर जो युवा पीढ़ी है, उसको ये भी समझना होगा कि अगर आज हम नहीं समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर सचेत नहीं होते हैं, तो आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ियों को इससे और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए बात होगी नतीजों से पहले कांग्रेस की बैठक की, और नतीजों से पहले कांग्रेस ने उम्मीदवारों के साथ में बकायदा मंथन किया। कांग्रेस की बैठक, उम्मीदवारों के साथ मंथन किया गया, कांग्रेस मुख्यालय में खड़गे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, सभी उम्मीदवारों से फीडबैक लिया गया। और देखिए सबसे खास बात यह है कि एक तरफ अब जहां चुनावी नतीजों में मुश्किल से कुछ घंटों का वक्त बचा है, क्योंकि देखिए अगर आप बात करते हैं तो आज हो चुकी है 3 तारीख और कल नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त और जो इंडिया ब्लॉक है वो काफ़ी पीछे है। हालांकि इंडिया ब्लॉक के नेता अभी भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार हम बनाएंगे, लेकिन देखिए कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई कल, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक की तस्वीरें आप लोगों भी नहीं देखी। इसके अलावा एक और देखिए कांग्रेसियों ने जयराम को बताया राज्यों का गणित, नवोदय टाइम्स में बकायदा इसी आर्टिकल में डिटेल्स में बताया गया है कि जिन जिन राज्यों में जो नेता हैं खासतौर पर वहाँ के प्रमुख, उनसे फीडबैक लिया गया है कि आपके राज्य की परफॉर्मेंस बताइए। जैसे इसमें हिमाचल की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस को 2 संसदीय सीट पर बढ़त मिल रही है और पाली राज्य की 2 अन्य सीट पर कल टक्कर है। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस उन 6 विधानसभा सीट पर भी जीत हासिल करेगी जहाँ पर उपचुनाव हुए हैं। तो ये सुखू ये फीडबैक दे रहे हैं जयराम रमेश को कि ये हिमाचल के अंदर हमको बढ़त हासिल होगी। अब कर्नाटक की बात करते हैं, तो कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिवकुमार, उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता आने के बाद कांग्रेस द्वारा पीके के गारंटीज की लोकप्रियता के कारण उनकी पार्टी 28 में से कम 2/3 सीटें जीतेगी। ये कॉन्फिडेंस वो वहां पर दिखा रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में छोटा मुंह बड़ी बात, बिहार कांग्रेस प्रमुख अखिलेश प्रसाद जो सिंह हैं वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी राज्य में जिन 9 सीट पर चुनाव लड़ी उनमें से 6 से 7 सीट निश्चित रूप से जीतेगी, और उन्होंने कहा कि भाजपा मिलकर बिहार की 40 सीटों में से करीब 20 सीटें जीती जाएंगी। राजस्थान में आधे का दावा किया जा रहा है, मतलब वहाँ पे कहा जा रहा है कि 25 सीटें हैं तो लगभग 12 से 13 सीटें हमारी होगी। और देखिए एग्जिट पोल्स कहते हैं कि कांग्रेस को बढ़त तो है क्योंकि पिछले 2 बार से तो खाता नहीं खुला था किसी और पार्टी का, लेकिन इस बार अगर खाता खुलता तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक अचीवमेंट है, और इसीलिए फीडबैक लिया जा रहा है तो ये बताया जा रहा है। एग्जिट पोल्स का जिक्र आप कर रही हैं, ब्लूमबर्ग की अगर एक रिपोर्ट के अनुसार अखबारों में, क्योंकि दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की बात करें तो इस खबर को तरजीह दी गई क्योंकि एग्जिट पोल्स अब आ गए हैं और अब 4 तारीख भी बहुत नज़दीक है, और ऐसे में एग्जिट पोल्स में मोदी की हैट्रिक के अनुमान से शेयर बाजार काफ़ी आज मंडे की बात करें तो उड़ान भरता हुआ ये नज़र आ सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल में भारी बहुमत से मोदी की हैट्रिक के अनुमान से सोमवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से क्योंकि एनडीए में सीटें कम होने की अटकलें लगातार लगाई जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं अस्थिरता भी आ रही थी। विदेशी संस्थागत और पोर्टफोलियो निवेशक यहां से पैसा निकालकर चीन में लगा रहे थे, लेकिन अब जब एग्जिट पोल का जिक्र भी आप कर रही हैं पूजा, तो एनडीए को 350 से 400 की सीटें लगभग अमूमन हर एग्जिट पोल में मिली हैं। ऐसे में ये बाजार के लिए अच्छा संकेत माना जा सकता है। किन सेक्टर्स में तेजी के आसार हैं, क्योंकि रुपया मजबूत होगा, फटाफट से आपको वो बता
देते हैं। सोमवार को बाजार में पीएसयू, रक्षा, रेलवे, पूंजीगत व्यय आधारित सेक्टर जैसे कि इंफ्रा, स्टील, सीमेंट, इनके शेयर्स में काफी तेजी रह सकती है। डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आ सकती है। तो एग्जिट पोल्स के चलते ये तमाम जो है वो उड़ान शेयर बाजार में देखने को मिली। पूजा और पलक, क्योंकि आप एग्जिट पोल का जिक्र कर रही हैं और अलग अलग पार्टियां इसको अपने अलग अलग नजरिए से देख रही है। मेरे पास जो अखबार है हिंदुस्तान, उसमें इसी के बारे में जानकारी दी गई है। हालांकि अगले 24 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जीत किसकी हो रही है, लेकिन एग्जिट पोल में आप खुद भी जानते हैं कि किस तरह से नतीजे दिखाए गए हैं और ये बताया गया है कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग पार्टीज, जैसे कि अखिलेश यादव कह रहे हैं एग्जिट पोल कई महीने पहले तैयार कर लिया था और इसके जरिए जनमत को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। फिर अखबारों में ये भी बताया गया कि ममता बनर्जी ने इसको लेकर क्या रिएक्शन दिया। एग्जिट पोल पूरी तरह से फर्जी बताया ममता बनर्जी ने। हरदीप पुरी कह रहे हैं मोदी की गारंटी पर भरोसा है, जनता का भरोसा मोदी पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एग्जिट पोल को लेकर के हर अखबार में अलग अलग तरह से अलग अलग एंगल से खबर दी गई है। हालांकि इसकी जानकारी हम आपको आगे भी पहुंचाएंगे, लेकिन भारत में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द वापस लौट रहे हैं।